किनारे का है ना। हाय बोलो बोलो। हेलो हाय मैम। सेंटर सेंटर लुक स्टैंड हियर प्लीज स्टैंड हियर स्टैंड हियर। मैडम सेंटर लो। नहीं नहीं पीछे सामने के बारे में जा 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 मैं कह रहा हूँ उनके लड़के का सारा पीछे एक बार एक वीडियो वीडियो में देखे थे इधर से वे पीछे एक बार ना वहाँ से कभी तो ये चली गई पीछे से दिल्ली भाग के जा सिंह भाई लेफ्ट से राइट में हम लोग हैं किशन भाजी से अरे नहीं भाई तुम सही हो जा 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 सपोर्ट वाली दिलाओ तो कहाँ तक सपोर्ट करेंगे हम लोग। थैंक यू क्या लगता है आपने क्या क्या अचीव कर लिया? तो मैंने कम से कम 14 फिल्में अचीव की हैं और मेरा हमेशा ये है कि मैं एक फिल्म एक्टर बनना चाहती थी और बड़े पर्दे पे नज़र आना चाहती थी, तो ये मेरा कायम रहा है। मैं आपको सिर्फ बड़े पर्दे पे ही नज़र आई हूँ अब तक और आगे जाते हुए भी मैं यही एक चीज़ एटलीस्ट अगर भगवान मेरा साथ दे तो मैं हमेशा पहले सिल्वर स्क्रीन पे देखना चाहूँगी और फिर उसके बाद बाकी प्लेटफॉर्म्स पे देखना चाहूँगी। तो मेरा ये सफ़र बहुत सुंदर रहा है। 10 साल में मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ काम किया है,
कुछ जो बहुत यादगार हैं, इंदु जी के साथ काम किया है मैंने, ऐसे ऐसे कमाल के एक्टर लोगों के साथ काम किया है, अरशद वारसी, अजय देवगन, अनिल कपूर, जो हमारे इंडस्ट्री के, अभी तो मैंने हाल ही में जाना कि अनिल कपूर ने तो अपनी पर्सनैलिटी ही पूरी वो कर ली है, ऑफिशियली लॉ फाइट किया है या कुछ किया है ताकि उनका नाम या उनकी कोई भी चीज़ यूज़ की जाए। तो एक दिन मैं भी ऐसा कुछ करना चाहूँगी अगर मैं उतनी मशहूर हो गई, क्योंकि मुझे लगता है सबका कुछ ना कुछ USP रहता है। तो जब अपना, अभी मेरा फ़िलहाल तो USP एक सूर्यवंशी के सीन का है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा USP थोड़ा और बढ़े और मेरे डायलॉग्स भी आएँ अलग अलग फिल्मों में। पर 10 साल मेरा बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, रोहित शेट्टी जैसे इंसान के साथ काम की हूँ मैं काफ़ी, अजय देवगन की फिल्मों में बहुत काम किया है मैंने, जो मैं हमेशा से चाहती थी भी, क्योंकि वो मेरे एक बहुत चहेते मतलब इंस्पिरेशन है, तो आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अभी और बहुत लंबी रेस है और वो भी अभी नापनी है। मनाने का क्यों इरादा बनाया, ये स्पेस के बारे में क्या आपको अच्छा लगता है? ये बहुत सुंदर स्पेस है, अगर आप देखेंगे तो इसका जो कलरिंग है मुझे बहुत पसंद है, जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है बहुत ही न्यूट्रल और सटल है। अभी मैं उनकी सुशी खाने वाली हूँ, जो यहाँ की शायद स्पेशल सुशी होगी, फ्यूजन खाना यहाँ मिलता है। अभी हम लोगों ने यहाँ का केक टेस्ट किया केक कटिंग के टाइम, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इट वॉज़ वेरी नाइस, टेस्ट भी अच्छा था और कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी, तो आई एम श्योर कि ये जगह बहुत अच्छी चलेगी। मैं सब लोगों को यहाँ पे वेल विशिंग मतलब दूंगी कि आपका बहुत अच्छा चले, क्योंकि फूड एंड बेवरेज बिजनेस कोविड में तो हमने देखा कि कैसे समाप्त हुआ, तो आई होप कि अब और फले और फूले और बढ़े। पिछले 10 सालों में जितने भी आपने रोल किरदार निभाए, कौन सा सबसे यादगार है, कौन सा सबसे दिल के करीब है और क्यों? क्योंकि मैं पुराने ज़माने के रोल्स करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो अभी जो मैंने फिल्म की है विद्युत के साथ जिसका नाम है IB71, तो वो अभी स्टार गोल्ड पे प्रीमियर होने वाली है, टेलीविज़न स्क्रीनिंग और टेलीविज़न प्रीमियर होने वाला है उसका 23 सितंबर को। तो वो मेरे लिए इसलिए ख़ास थी क्योंकि उसमें ना मैंने पुराने ज़माने का एक गेटअप अडॉप्ट किया था, और मुझे अच्छा लगता है जब हम देश के प्रति या देश के हित में कोई फिल्म बनाते हैं, तो हमारे जो खुफिया विभाग है उसके ऊपर पिक्चर बनाई गई, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं उस फिल्म का हिस्सा थी और मैं आगे भी जाके ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैंने खुद एक प्रोडक्शन हाउस खोला है जिसमें मैं एक खुद फिल्म लिख रही हूँ जो भी देश के ऊपर है, तो मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं कोई ऐसी फिल्म का हिस्सा बनूँ। जो भी पेजेंट विनर्स होते हैं जैसे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, उनका कहीं ना कहीं बॉलीवुड में सक्सेस का जो फॉर्मूला है बहुत इजी हो जाता है, इस पर आपकी क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि एक तो ये प्लेटफॉर्म हमारे हर नौजवान देखते हैं, बाकी भी सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डायरेक्टर्स भी देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि सुंदर से सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल्स आती हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और फिर एक चुनी जाती है जो विजेता होती है और जो जीतती है, और फिर कहीं ना कहीं उसको फिल्म इंडस्ट्री मौका देती है। कितने सारे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्सेस ने अपना छाप छोड़ा है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। अगर आपको जैसे कोई और रास्ते से आपको नहीं लगता समझ, तो एक ब्यूटी प्लेटफॉर्म से आना मुझे लगता है एक बहुत अच्छा रास्ता है। आप इतने बड़े म्यूजिकल घराने से हैं नैयर साहब के, जी, तो कभी बचपन में ऐसा लगा कि क्यों ना म्यूजिक पे भी ध्यान दिया जाए, कि बचपन से यही सपना था सिनेमा के बड़े पर्दे पर नजर आऊं मैं? सच बताओ तो मेरा सिर्फ यही सपना था कि मैं सिनेमा के बड़े पर्दे पर नजर आऊं, लेकिन मेरा ये भी एक अरमान है और आई होप वो पूरा हो, कि कभी ना कभी मैं चाहूँगी कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर के ऊपर पिक्चर बनाई जाए जिसका हिस्सा मैं बन सकूं, या म्यूज़िक के ऊपर कोई ऐसी फिल्म बने जिसका मैं हिस्सा बन सकूं। वहाँ पे फिर अगर मेरी दो पेंस की अगर कलाकारी मैं म्यूज़िक में डाल सकूं तो मैं डालना चाहूँगी, और 100% ओपिनियर के आशीर्वाद के साथ मैं वो करना चाहूँगी, तो ये एक मेरा सपना है जो शायद पूरा हो। मुझे लगता है आपकी खूबसूरती, आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट को देखने के बाद उस तरह का किरदार नहीं मिल पाया आपको जिसके आप काबिल हैं, क्या आप मानती हैं ये बात को? सही, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, लेकिन वक्त जो है ना सब आपको दिखा देता है। तो देखो, यहाँ पे हर इंसान को एक मौका ज़रूर मिलता है, वो एक मौका मेरे हिस्से में कब आएगा ये आप सब लोग भी विटनेस हैं, मैं भी हूँ यहाँ मौजूद, वो आएगा ज़रूर, एक मौका तो आएगा मेरी जिंदगी में, अभी इस 10 साल में तो नहीं आया, क्या पता अगले 10 साल में आ जाए। आने वाले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? कि कम से कम वो एक मौका के बदौलत पे मैं कुछ अच्छे पैसे कमा सकूँ इंडस्ट्री से, और वापस भी पैसे डाल सकूँ फिल्म इंडस्ट्री में, ये मैं चाहूँगी।
आपको लोग किस तरह से याद रखते हैं, आखिरी सवाल कि निहारिका रायज़ादा आई, एक बहुत ही छोटे से देश से आई और बहुत बड़े मुल्क में बहुत सारा प्यार बांट सके। किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू।